नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर कई प्रकार की ऐतिहासिक और कहें प्राकृतिक तौर पर संपन्न क्षेत्रों में से एक कहा जा सकता है। भारत का यह संपन्न क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जबलपुर शहर में एक बैलेंसिंग रॉक है और मेरे पीछे ये एक रॉक आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हैं, कई टन भारी ये पत्थर है, लेकिन एक अद्भुत तरीके से दूसरे पत्थर पर किस तरह से टिका हुआ है, यह वैज्ञानिकों के साथ साथ आम जनमानस के लिए भी एक विचार का, एक सोच का विषय है। और आज हम अपने इस अंक में इसी बैलेंसिंग रॉक से जुड़े हुए कई तथ्यों को आपके सामने रखने वाले हैं, तो बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो प्रारंभ में हमें इंटेक जबलपुर के सौजन्य से एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है कि दीर्घ गोलाकार यह शिला आश्चर्यजनक ढंग से एक विशाल चट्टान पर अपने गुरुत्व केंद्र पर टिका हुआ है और यह भूतात्विक कारणों से अस्तित्व में आया, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि चट्टानी पहाड़ी के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ दीर्घकालिक अपरदन और विघटन जैसी क्रियाएं निरंतर होती रहीं, फलस्वरूप चट्टानों से चिपके हुए घुलनशील एवं अलग होने वाले पदार्थों के विलग होने से ये कठोर शिला अपने गुरुत्व केंद्र पर स्थिरता प्राप्त कर अस्तित्व में आया होगा। इसकी यह विशिष्टता है कि इसकी विशालता, भार, कठोरता एवं सटीक गुरुत्व केंद्र होने के कारण आज भी यह अपनी मूल अवस्था में बना हुआ है। और अब हम आपको ले चलेंगे इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्राकृतिक शिला के पास और बात करेंगे शासन प्रशासन से नियुक्त किए गए यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी से। मेरे पीछे बैलेंसिंग रॉक आप देख रहे हैं। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे कि ये जो पत्थर हैं 1000 किलोमीटर स्क्वायर में ठीक इसी प्रकार के पत्थर देखे जा सकते हैं जो विशेष प्रकार की ग्रेनाइट चट्टानें कही जाती हैं। और जिस प्रकार से इन पत्थरों का आकार है तो बड़ा ही विशालतम रूप यहाँ पर देखा जा सकता है और ये कई टन का पत्थर किस तरह से एक निचले पत्थर पर कई वर्षों से, और इसके बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं कि पहली बार इसे कब देखा गया था, ठीक इसी तरह से टिका हुआ है। और मज़े की बात तो यह है कि 1997 में जब भूकंप आया तो जबलपुर की धरती पूरी तरीके से हिल गई, लेकिन ये पत्थर अपने मूल रूप में उस दौरान भी बना रहा और इस पत्थर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची और जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का, एक विचार का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि प्रारंभिक तौर पर ये दो पत्थर न होकर के सिर्फ एक ही पत्थर रहा होगा और अपरदन विपरदन की वजह से धीरे धीरे ये पत्थर घटता घटता सिर्फ इतना बचा होगा और ये एक विशेष आकार में आ गया है जिसकी वजह से यह अब भी अपने मूल अवस्था में बना हुआ है। अब हम यहाँ पर उपस्थित जो इस जगह के कर्मचारी हैं शासन प्रशासन के द्वारा नियुक्त, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं जगदीश बर्मन हूँ जी, न्यू शास्त्री नगर में रहता हूँ जी। मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी और इसकी देखभाल जी। आप शासन प्रशासन की तरफ से नियुक्त हैं कि वन विभाग की तरफ से, किसकी तरफ से नियुक्त हैं? यूनिवर्सिटी की। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पूरा का पूरा कैंपस आता है जी। तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक दर्शकों का, कहीं ना कहीं पर्यटकों का तो डेरा डला रहता है, तो जी हाँ बैठते जी, आते हैं घूमने। लगभग कितने सारे लोग आते हैं इस चीज़ को देखने? कम आ जाते हैं, 2-3 हज़ार आदमी पर डे जी। और यहाँ पर जैसे ये पत्थर हम देख रहे हैं जी, तो आप भी शायद जबलपुर से ही निवास करते हैं, तो लगभग क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि सबसे पहली बार इस पत्थर को किसने देखा था या कितने वर्षों पहले देखा गया था? इसको तो पुराने लोग बोलते हैं जी कि मदन महल की छाय जी, दो टोंग जी, इसको टोंग भी बोलते हैं जी, इसको नगाड़ा भी बोलते हैं और इसको एक हिसाब से कढ़ाई, इधर भंडारा भी होता था जी, यहाँ पीछे साइड जी, जी ये पुराने लोग बताते हैं जी। और जैसे हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई होती है, क्या इस पत्थर के पीछे भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके पूर्वजों के द्वारा बताई गई हो कि ये पत्थर कैसे यहाँ पे टिका, क्यों टिका है? इसकी तो मेरे को भी
जानकारी नहीं है, मगर बहुत हजारों वर्ष पहले से टिका हुआ है। मतलब इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं कि पहली बार इसे कब देखा गया था? नहीं, इसकी जानकारी नहीं, ये मुद्दतों से जी टिका हुआ है। अब कैमरे को दूसरी चीज, और इस पत्थर के अलावा इस जगह पर और क्या देखने लायक चीजें हैं, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, अगर कुछ और विशेष हो हमें दिखाएं आप। पहले तो एक हिसाब से जी यहाँ पे बस्ती थी जी, इसको बोला जाता था भदनपुर गांव जी, और यहाँ वगैरह उनकी राजा को फौज वगैरह रहती थी जी। मतलब इस जगह पर, इस जगह पर तो मकाने बने हुए जी, सब गिर पड़ गए लड़ाई में, सब मारे गए जी। मतलब ये अगर आप बता पाएं किन राजा के समय की बात थी, किन के सैनिक यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे जो बस्ती थी तो किन लोगों की बस्ती थी? यहाँ गुड़वाना की बस्ती थी जी, और मदन शाह शंकर शाह दो भाई थे जी, तो जिनकी मदन महल जी, जिन्होंने मदन महल का निर्माण कराया था उनके भाई शंकर शाह जो बनी है जी, मदन महल उसके नाम से बसता है जी। और यहाँ पर भी गोंडवाना राज्य के लोग ही निवास करते थे, गोंडवाना जी लोग वास करते जी, और तब से जो है ये सारा का सारा सारा सुरक्षित है। और शासन प्रशासन के द्वारा इसे अपने अंडर में कब लिया गया, कितने समय से ये जो हम चारों तरफ एक पर्यटकों के हिसाब से व्यवस्था देख पा रहे हो, कब से है लगभग ये? तो अभी 3-4 साल से इसकी जी देख रेख हो रही है जी, और इसके पहले तो वह ऐसा ही था। अच्छा, मतलब अब बेहतर तरीके से शासन प्रशासन इसको ध्यान दे रहा है जी। और आप लोग को जो सैलरी वगैरह मिलती है टाइम पे मिल जाती है या फिर? जी हाँ, मिल जाती है टाइम पे सैलरी मिल जाती। चलिए ठीक, तो अभी हमने और एक चीज़ जरूर और हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ जी, इन पेड़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस चीज़ के पौधे हैं यहाँ पे? इसमें पुराने चिरौंजी बोली जाती है, छोटी छोटी चिरौंजी होती है, ये करीब 50 साल पुराने पेड़ हैं जी। सभी लगभग है ना? नहीं, 2-3 पेड़ जी, एक ये है जी, एक वो है जी, और एक जी जी, 3 पेड़। अच्छा, पुराने हैं जी। और ये जो सूखते सूखते पेड़ समझ में आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये तो ये मतलब अभी के लगे हैं, वन विभाग वालों ने अच्छा लगाए हैं, लगाए जी, और अब लगातार इसके विकास का प्रयास किया जा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर हमें कुछ पर्यटक भी मिले हैं, आइए उनसे उनके अनुभव साझा करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। माइसेल्फ अमित सोनकर, कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद जी। आप? कार्तिक सोनकर, फ्रॉम इलाहाबाद जी। तो आप दोनों लोग इस विशेष जगह को देखने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल जी। और कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर आकर के? देख रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस लग रहा है देखने में, गिरने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन पता चला है कि भूकंप आने पे भी नहीं गिरता जी। है, बहुत अमेजिंग प्लेस है, नाइस प्लेस जी। और यहाँ पर जो आपने चारों तरफ के पत्थरों को देखा और चारों तरफ घूमा आपने, तो क्या अच्छा लगा यहाँ पे? अच्छा यही लगा कि इतने बड़े पत्थर और इतनी सेंसिटिव जगह में कैसे टिके हुए हैं, ये सब देख के अजीब सा लग रहा है जी। लग रहा है कि प्रकृति कहीं पर निवास करती है जी। और जहाँ तक पत्थरों की बात है, मैंने ऐसे पत्थर बहुत कम जगह पर देखे हैं जी, कि जो एक सेंसिटिव प्लेस पे टिका हुआ है जी। उसके अलावा पत्थर इसमें एक मिनिमम एरिया में टिका हुआ जी। है बहुत ही कम जगह पर जो तो पहले आज दिस वन आई हैव कम हियर टू सी दिस जी। या और आपको इस बारे में पता कैसे चला, पहली बार आपको कब पता चला कि बैलेंसिंग रॉक ऐसे जगह पे? मैं रहता हूं जबलपुर में हूं जी, तो मुझे अपने दोस्तों से पता चला बहुत दिनों से, मतलब ख्वाहिश थी कि आगे देखूं जी। तो ये पहली बार आ पाए हैं? ये मेरा तीसरी बार है जी, मतलब अमेजिंग है, बहुत अच्छा है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू जी। ये थी जबलपुर के बैलेंसिंग रॉक की कहानी, जिसके बारे में आपने जाना कि ये पत्थर कैसे निर्मित हुआ होगा। और अगर हम प्राकृतिक घटनाओं की बात करें, तो जिस तरह से ये पत्थर बने हुए हैं, जिस तरह से ये पत्थर स्थित हैं, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि जबलपुर जो शहर है पूरा एक उथल पुथल, कहीं पे बहुत ज़्यादा गहराई है, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, तो इस तरह से भी दिखाई देता है। तो इसके पीछे का एक तथ्य यह भी माना जा सकता है, हालांकि यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, कि हो सकता है कि कभी प्राचीन काल में किसी उल्कापिंड के गिरने की वजह से यह स्थान निर्मित हुआ हो, जिसकी वजह से ये जो टूटे फूटे पत्थर, जो बड़े विशाल कई टन भारी पत्थर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक ही बैलेंसिंग रॉक भी है,
उसी उल्का पिंड के टुकड़ों के द्वारा निर्मित हुआ हो। दूसरे तौर पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस पत्थर के बीच में एक रास्ता है और रास्ते के ठीक उधर साइड पर एक पूरी की पूरी पहाड़ी है, जिस पहाड़ी में एक मदन महल है जिसका निर्माण राजा मदन शाह के द्वारा करवाया गया था। तो किसी प्राकृतिक घटना की वजह से ऐसा हो सकता है कि उस पहाड़ी के पत्थरों के गिरने की वजह से इस पूरे के पूरे एरिए का निर्माण हुआ हो और ये बैलेंसिंग रॉक निर्मित हुआ हो। ऐसे ही किसी दूसरी अद्भुत जगह के बारे में, किसी अद्भुत किले के बारे में, किसी पर्यटक ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।